तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमको बता दें कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार इस चैनल पे जो है आपको क्लास 10th क्लास 9th का जो है फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, फ्री वीडियो लेक्चर्स आपके संस्कृत के, इंग्लिश के और केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आपके फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं तो सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है यार। ठीक है, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है आपका कुछ तो पढ़ा चुके हैं, वीडियो जो है वीडियो का जो लिंक है जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट का, वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आगे आज जो है हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है आज पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन जो है, सबसे पहले समझिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी ऐसा रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उस रिएक्शन में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन में, उस रिएक्शन से कोई एक नया रिएक्शन, जो कोई एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा इसका डिफिनेशन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है वो आपका एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या है केमिकल रिएक्शन? आपका एक प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि वो एक आपका प्रोसेस है जिसमें कि जो बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट साइड का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सबसे पहले समझिए क्या है रिएक्टेंट। क्या है रिएक्टेंट? यानी कि आप जो है जो चीज ले रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है, जो भी चीज आप ले रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए, जैसे कि आप जो है पेपर, मान लीजिए आपको कुछ जलाना है, ठीक है, तो जलाने के लिए आप क्या लेंगे? पेपर लेंगे। तो ले रहे हैं जो चीज जलाने के लिए तो वो आपका रिएक्टेंट होगा। ठीक है, और जल के जो राख बन जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा? वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपका लेफ्ट साइड होता है और प्रोडक्ट आपका राइट साइड होता है, आपको यहाँ स्लाइड पे दिख जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो आप समझ गए इसका डिफिनेशन क्या है। तो रिएक्टेंट का डिफिनेशन है कि द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के जो केमिकल रिएक्शन में जो आपका सब्सटेंस जो आप ले रहे हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट जिस जो सब्सटेंस से आप जो है ये कर रहे हैं, कोई एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, तो देखिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को समझने के लिए आप कोई आपके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि हम H2 और O2 ले लेते हैं, H2 प्लस O2 गिब्स यानी एरो H2O। ठीक है, तो H2 और O2 जो है वो वहाँ पे आपका रिएक्टेंट्स है। ठीक है, जो आप रिएक्शन के लिए ले रहे हैं, ठीक है, और आपका जो H2O जो है, जो वाटर है, वो आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है एग्जांपल में। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट हो गया। अब आते हैं हम आपका केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन पे। ठीक है, तो समझिए केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड है वो ब्रोकन होकर, यानी टूटकर एक नया बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और उससे जो है एक नया सब्सटेंस जो है फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन जो है, हम इसी को कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका केमिकल रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझिए आप केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले जो है हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, और ये एग्जाम में एक बार या दो या तीन बार आ चुका है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए फिगर में दिख रहा होगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम बर्न कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम बर्न करते हैं तो वो जो है डैजलिंग ग्लम जो है आपका जो है क्या करता है, रोशनी देता है, यानी कि बहुत ही वाइट कलर का जो है आपका रोशनी आता है, चमकता हुआ जो है रोशनी आता है, डैजलिंग ग्लो जिसको कहते हैं, ग्लो। ठीक है, तो वाइट कलर का जो है आपका एक बहुत ही मतलब चमत्कार नहीं, रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होता है उसका। ठीक है, जब हम उसको बर्न करते हैं और वो बर्न होता है एयर के साथ, ठीक है, हवा के साथ जो है वो बर्न होता है, जलता है। ठीक है, और जलते ही जो है उसका जो जलने का जब वो पाउडर बनता है तो पाउडर जो है आपका वाइट कलर का होता है। ठीक है, वाइट पाउडर। ठीक है,
जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उस वो जो पाउडर है उसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपका जो है रिएक्शन जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि Mg plus O2 gives MgO, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी जो है एग्जाम्पल खत्म होता है। तो इस तरह से आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जो है फॉर्म होता है। तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो गया और केमिकल रिएक्शन का भी जो है डिफिनेशन हो गया, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट भी हो गया। अब एक लास्ट, अब आपका लास्ट एक टॉपिक बचता है, वो है आपका केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन फ्रेंड क्वेश्चन ये है, केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड है वो। देखिए केमिकल रिएक्शन में जो है आपका एक नया सबस्टांस फॉर्म होता था, ठीक है, जब एक आप लेते थे कोई रिएक्शन करने के लिए कोई दूसरा सबस्टांस, ठीक है। तो केमिकल ये हुआ रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन में जो है कुछ नहीं है, वो केमिकल इक्वेशन हमको ये बताता है कि कैसे जो है हम केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे चीज। तो केमिकल इक्वेशन जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन के बारे में है कि रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, केमिकल रिएक्शन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो उसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम उसको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन को H से, क्लोरीन को Cl से, ऑक्सीजन को O से, ये हो गया सिंबल। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है जैसे H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड बोल देगा तो BaCl2, ठीक है। तो इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, तो उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनेशन, उसका डिफिनेशन इसका है आपका केमिकल, किसका, केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ए केमिकल रिएक्शन एंड ए केमिकल चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ सिंबल। देखिए विद द हेल्प ऑफ सिंबल, ध्यान दीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ सिंबल के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस केमिकल चेंज जहाँ हो रहा है, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी हम उसको क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है, ऑफ सबस्टांस इन्वॉल्व, जहाँ जो सबस्टांस वहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये आपका जो है केमिकल इक्वेशन का जो है आपका डिफिनेशन हुआ। तो इस तरह से जो है आपका एक एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2SO4 प्लस ZN ले लेते हैं, तो आपका क्या होता है रिएक्शन, हम बताए थे कैसे होता है, ठीक है। तो H2SO4 प्लस ZN है, यानी ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए क्या हुआ वहाँ पे, आपको हम वहाँ H2SO4 यानी H2SO4 ये एक हुआ आपका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, प्लस ZN आपका क्या है, जिंक का सिंबल है ZN, ठीक है। तो ये देखिए हम सिंबल से और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये केमिकल इक्वेशन जो है खत्म होता है, ठीक है। तो आपका जो है केमिकल इक्वेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हो गया। अब आपका बचता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो फ्रेंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जो कि आपका गैस को क्या करता हो, इवॉल्व करता हो, यानी निकालता हो, ठीक है। गैस जहाँ पे निकल रहा है वहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और गैस जहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में पढ़ाएंगे, फिर उसके अगले दिन जो है आपका टेस्ट रहेगा चैप्टर 1 का, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, और उसके बाद जो है हम वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।